तो अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से सी इन कमांड के जरिए इंटर मल्टीपल वैल्यूज का इनपुट लिया जा सकता है। तो अभी लास्ट टाइम हमने सीखा था कि सी इन फंक्शन के जरिए हम सिंगल इनपुट ले रहे थे, इस तरह से किसी भी एक वेरिएबल के अंदर, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर इनपुट ले सकते हैं, पर मल्टीपल लाइन का जो इनपुट है वो किस तरह से लिया जाएगा, तो इसके लिए एक डेफिनेशन ये कह रहा है, सी इन ऑब्जेक्ट में बी यूज गैदर्ड मल्टीपल वैल्यूज एट वंस लुक एट प्रोग्राम। अब ये प्रोग्राम का एक हमें रेफरेंस दे रहा है जिसमें हमें इसको करके देखना है, ठीक है ना। तो किस तरह से ये काम करेगा, तो मैं आपके लिए आसानी के लिए करता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है इसको मैं यहाँ से इस तरह से ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और अपना जो डेव प्लस है उसको खोल लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाके हम इसके अंदर एक न्यू फाइल ले लेते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एक्स्ट्रा जो भी हमारा टेक्स्ट है इसमें हम निकाल देते हैं, ओके, थोड़ा सा ऑपरेशन फास्ट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम सेट हो गया, सेव कर देते हैं इसको और यहाँ पर हम जाके अपने फोल्डर में सेव कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसका नाम रख रहे हैं क्लास 7 मल्टीपल इनपुट बाय सीन, ठीक है, ये हमने अपनी फाइल का नाम लिख दिया। ओके, अभी देखें इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, तीन वेरिएबल लिए, इंटीजर लेंथ, विड्थ और एरिया। इन तीन प्रोग्राम का जो आउटपुट ले रहे हैं, सी आउट रेक्टेंगल न्यू लाइन, सी आउट इंटर द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल को ये डिजाइन कर रहा है तो उसकी विड्थ और लेंथ जो है आपसे इनपुट मांग रहा है और अगले लिखे सेपरेटेड बाय स्पेस और इनपुट देते हुए विड्थ और लेंथ को सेपरेट करना है स्पेस के लिए, यूजर को गाइड भी किया इसने। सी इन लेंथ और फिर ग्रेटर देन डायरेक्शन विड्थ, दोनों में इनपुट साथ लेगा और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके एक जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल के इसमें दे देगा और सी आउट करके फिर हम उस रेक्टेंगल का एरिया यहाँ पे आउटपुट ले लेंगे स्पेस के जरिए। हाँ, दिस इज द न्यू थिंग कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमने यहाँ पे लिखा 20 स्पेस 30 तो 500 हो जाएगा, एंटर करेंगे तो ये देखिए, सॉरी 600 हो जाएगा, नहीं 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 तो हम आगे थ्रू नहीं कर सकते, यही सी सीखनी है ना। देखिए, अगर आप इसको यहाँ पर आ जाए यार, एक नई लाइन यहाँ पे भी लगा देते, देखिए अगर आप इसी चीज को ऐसे लेते कि दो बार सीन लिखते, सी इन लेंथ सी इन विड्थ, तो यूजर को टू टाइम्स इनपुट करना पड़ता और दोनों अलग अलग लाइंस पे होता, मतलब इस लाइन को कमेंट करता हूँ और आपको इसी लाइन को दो तरीके से करके बता देता हूँ, दूसरे तरीके से जो लास्ट मेथड हमने सीखा था, और इसको यहाँ पे एक और सेमीकोलन लगा के मैं सी इन लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, अब प्रोग्राम चलेगा, बिल्कुल सही चलेगा और प्रोग्राम हमसे डिमांड कर रहा है यहाँ पे, तो अगर हम लिख रहे हैं 30 तो दूसरा इनपुट मांग रहा है, फिर लिख रहा है 20 तो आ रहा है इसका 600, लेकिन इस तरह से कोड करने में, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, और इस तरह से कोड करने में क्या हो रहा है कि आपका प्रोग्राम जब चल रहा है तो आप 40 स्पेस 50 इस तरह से दो इनपुट दे रहे हैं, मतलब यूजर को गाइड करना पड़ेगा कि आपको एंटर करके दो बार इनपुट नहीं देना बल्कि स्पेस देके कर देना, एंटर कर देना, सॉल्यूशन आ गया। तो ये ध्यान में आपको रखनी है बात, ठीक है। तो अगर आप तीसरा भी ऐड करेंगे तो फिर स्पेस के साथ तीसरे का भी दे सकते हैं, मतलब सम टाइम ऐसा होता है ना, एक वैल्यू के बाद दूसरी के बाद तीसरे का, तीनों को एक साथ लिख के एंटर करते हैं और कैलकुलेट होके कोई वैल्यू आ जाए, तो इस काम के लिए सीन को यूज किया जा सकता है।